दोस्तों, ये रहे कैली के बच्चे। आप लोग देख सकते हैं कितने क्यूट हैं। अभी आईज ओपन नहीं हुई दोस्तों है। अभी हम सीटू पे लगा रहे हैं घी, बिजनेस मोमोस प्लानिंग और इडली और अप्पे अपे। चारों का। चलो ठीक, सो हे गाइस, दिस इज अभिनय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब व्लॉगिंग चैनल अभिनय ठाकुर व्लॉग्स पर। और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल सीमा का चेकअप करवाने। एक्चुअली उसके फिंगर में जो है वो कुछ दर्द है, बहुत ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही टाइम हो गया है, तो अभी उसको चेक करवाने जा रहे हैं। और मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो उसके लिए भी दवाई लेने जा रहे हैं। तो चलिए हम मिलते हैं हम लोग हो रास्ते गए में। रेडी और सीमा भी आ चुकी है, और अभी कैली के बच्चों से भी आपको मिलाते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग हो रहे हैं लेट, तो आपको कैली के बच्चों से मिलवाते हैं कुछ देर में। सीमा गेट खोल सो दो। गाइस, हम लोग निकल गए घर से और अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल थोड़ा सा चेकअप करवाने। और ये 4 लेन का काम चला हुआ है यहाँ पे। अभी कर दो बंद। तो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और अभी चलते हैं हम अंदर, सीमा के टेस्ट वगैरह करवाते हैं। सो गाइस, अभी हम टेस्ट करवा के आ गए हैं। मतलब हमने करवाना था एक्सरे सीमा का, तो वो तो निकला बिल्कुल ठीक। हो सकता है थोड़ा बहुत क्रैक हो उसमें, तो उसके लिए एक्सरसाइज बताई है। और अभी हम चलते हैं अब वापस घर। तो दोस्तों, हॉस्पिटल से सीधा हम लोग आ गए मोमोज खाने। डाइट हमारी तुम नहीं खाओगी? झूठी। चल दोस्तों, हम लोग आए हैं अतुल फास्ट फूड में, और इनके आप मेन्यू चेक कर सकते हो, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस में। और ये रहा नंबर। हम लोगों ने अभी करवाया चिल्ली पनीर, अतुल भैया बहुत अच्छा बनाते हैं। अपना हो चुका है पैक चिल्ली पनीर। चलो तो दोस्तों, अब निकलते हैं हम घर के लिए। गाड़ी को दोस्तों, ये रहे कैली के बच्चे। आप लोग देख सकते हैं कितने क्यूट हैं। अभी आईज ओपन नहीं हुई है इनकी। और ये हमने इनके लिए लगा दिया ताकि ये ठंडे ना, ठंड के मौसम में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज आप देख सकते हैं कि हम क्या बना रहे हैं। ये है सिड्डू, हिमाचल का फेमस डिश। हम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। ये स्टफ आप देख सकते हैं, ये ड्राई फ्रूट की स्टफ है, और ये दाल का और स्टफ ये है। दाल का स्टफ है, और एक अभिनय के द्वारा तैयार किया गया सिड्डू सिड्डू। और ये दूसरा हो रहा है, साइज काफी बड़ा है। मैं इसको बोल रही हूँ छोटा बनाने, बट ये बहुत बड़े बड़े साइज बना रहा है। और घी, और साथ में आप ये भी देख सकते हैं, इसका भी आनंद ले रहे हैं हम। और वो स्टीम हो रहा है, इसी में अब हम सिड्डू डालेंगे। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं तैयार होने के बाद। दोस्तों अभी हम सिड्डू पे लगा रहे हैं घी। आप घी या तेल कुछ भी लगा सकते हैं, बट ट्रेडिशनली तो इस पे घी लगाया जाता है, तो हम लगा रहे हैं घी। जो घी नहीं खाता उसके लिए तेल नहीं, वो तो मैं भी खाना पड़ेगा। एक साइड और बाकी दूसरी साइड। इस पे नहीं, इस पे लगाना है। हाँ, अब उस पे लगाना। गाइस, अपने ये दो सिड्डू बन के तैयार हो चुके हैं। हाँ, बिजनेस प्लानिंग और इडली और अप्पे अप्पे चारों का। चलो ठीक गाइस, यहाँ पे अपना एक और लॉट निकल जाएगा थोड़ी देर में, तो आपको दिखाएंगे वो भी। और बर्तन पूरा काला हो चुका है। क्यों छोड़, एक छोड़।
छोड़ती है सीमा? ये सिटू निकलने के लिए है तैयार, तो अभी इनको निकाल लेते हैं। लोग देख सकते हो कितने फ्लफी हुए हैं ये, तो अभी इनको उतार के आपको दिखाते हैं। सिड्डू हमने उतार लिए हैं नीचे, अभी इनको प्लेट में डालते हैं। सिड्डू के और लॉट्स भी अपने निकलने वाले हैं, और ये अभी तीनों की तीनों सांचों में है सिड्डू। इस बार लेकिन गोल सिड्डू है। अब सिड्डू को निकालते हैं बाहर, और ये आप लोग देख सकते हो सिड्डू बन चुके हैं। अभी चाकू से इसको टेस्ट कर लेते हैं पहले हुआ है या नहीं। ऊपर वाले ये भी सीडू अपने हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। तो अभी इनको उतारते हैं नीचे। खाली करे ना, तो गाइस ये निकाल दिया हमने सीडू, और अभी एक लॉट ये है, ये भी चढ़ेगा। ये रख लेते हैं हम सीडू, देखते हैं एक में आते हैं या नहीं। दो बाकी हैं, और ये सीडू रख रहे हैं हम गरम करने के लिए थोड़ी देर के लिए। तो अब हम लोग करते हैं यहाँ पे टेस्ट सीडू, जो कि लग रहे हैं काफी यमी। तो अभी कट करेंगे इनको। और ये आप लोग देख सकते हो अच्छी तरह से पक चुका है। ये स्टफिंग भी आप लोग चेक कर सकते हो। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने, फाइटर मूवी, जो कि सिनेमा में लॉन्च हो चुकी है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उसको देखने। 4 बजे का अपना शो है, और अभी टाइम हो रहा है 3:10। तो दोस्तों हम लोग हो चुके हैं काफ़ी ज़्यादा लेट, और 40 मिनट में हमें कवर करने हैं 35 किलोमीटर के आसपास। तो गाइज हम लोग पहुँच गए हैं हमीरपुर मूवी देखने, और हालत आप लोग देख सकते हो मेरी। काबुल में इंडियन एम्बेसी ब्लास्ट। दोस्तों हम लोगों का टीवी हो चुका है यहाँ पे डिलीवर, और आज करवाएंगे इसकी अनबॉक्सिंग। टेक्नीशियन भैया आए हैं, खुद तो हमने की नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी वारंटी हो सकती थी वॉइड। अगर ये टूटा हुआ निकलता है या कुछ भी निकलता है तो इसकी वारंटी हो जाएगी वॉइड। तो इसलिए हमने खुद इसको खोलने का रिस्क नहीं लिया, और अंदर भी हम बताते हैं कि क्या करना है। हमारा दूसरा एमआई का टीवी, इसको करवाएंगे हम इस दीवार पे फिट, और ये अलमीरा कर दी है हमने साइड में। और मेरी कुछ हालत इस तरह से है। तो भैया टेक्नीशियन भाई आ चुके हैं यहाँ पे। मम्मी जी ईशु ईशु इसके एज टू एज ब्लेड और स्पॉटिफाई।
तो गाइस अभी टीवी को कर रहे हैं टेस्ट, तो अपना ही ब्लॉग चलाया सामने, आप लोग देख सकते हो। और बेजल्स काफी ज्यादा बारीक है इसके।